नागिन 6 का बिगेस्ट प्लॉट रिवील हो चुका है दोस्तों। नागिन 6 में एक सबसे बड़ा शॉकिंग टर्न आने वाला है और ये शॉकिंग टर्न आपको बता दूं तो प्रथा और महक के बीच में दरार पैदा कर देगा। प्रथा की दुश्मन बना देगा किसे? महक को। महक का एक हिडन एजेंडा है और इस हिडन एजेंडा को मैं इस वीडियो में खोलता हूं। प्लॉट रिवील हो चुका है, लीक हो चुका है। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों के यार, आपका होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को बताना चाहता हूं तो नागिन 6 में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आएगा और ये एक ऐसा ट्विस्ट है जिससे कि हम लोग सोचे थे कि यार इस बार मैं प्रथा अकेली कैसी नागिन है जिसकी एक नागिन जो है दुश्मन ना हो। क्योंकि आप सीजन 1 से लेकर सीजन लगभग एंड तक देख लीजिए, हर कोई नागिन का एक दुश्मन आता ही आता है। विशाला, विशाखा करके समथिंग, विशाला थी वो शायद, राइट, वो थी। रश्मि देसाई का कैरेक्टर था, बहुत सारी, अदा खान का कैरेक्टर था, दो मुई नागिन, बहुत सारी चीजें थी अगर आपको याद होगा तो। अब ऐसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो नहीं अदा खान का नहीं, उनका अनिता हसंदानी का कैरेक्टर था, दो मुंह वाली नागिन का, काली नागिन समथिंग कुछ ऐसा था। और एक सुरभि ज्योति वाले में था जिसमें एक तरफ काला वो, एक तरफ नॉर्मल मुंह, समथिंग कुछ ऐसा था। तो इसमें भी होने वाला है, महक और प्रथा दोनों बहनें तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महक क्यों यहाँ पे प्रथा का साथ दे रही है असुरों को खत्म करने में? क्यों? काय को किस लिए? क्योंकि जिस तरह जब असुर खत्म होंगे तो एक अमृत निकलेगा और उस अमृत से, आपको बताना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर अमृत से जो उसका रस चखेगा, पान करेगा, वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। और महक चाहती है, क्योंकि महक श्रेष्ठ नागिन नहीं बन पाई ये बात हम जानते हैं, और उसे मन में श्रेष्ठ नागिन की ये इच्छा थी ये भी हम जानते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक बिगेस्ट ट्विस्ट हुआ है और वो बिगेस्ट ट्विस्ट ये सामने आया है, प्लॉट ये रिवील हुआ है कि महक का कैरेक्टर एक्चुअल में प्रथा की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि चीज़ें जो हैं गड़बड़ाई हुई हैं, और गड़बड़ाई हुई इसलिए हैं क्योंकि उससे जो अमृत, क्योंकि ये समुद्र मंथन है, राइट, अब जो अमृत निकलेगा उसका वो पान करेगी, उसे पिएगी, उसका जो है रस चखेगी, और उसके बाद महक शक्तिशाली हो जाएगी, शेष नागिन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जी हाँ, आपको क्या है कहना जरूर बताएं।